पंचायत बर्ती कला में रोजगार सहायक की मनमानी सातवें आसमान पर है। हितग्राही को पता नहीं है कि हमारा समतलीकरण भी पास हुआ है। अंदर ही अंदर रोजगार सहायक के द्वारा लोगों की हाजिरी भरकर और कागजों में समतलीकरण कर दिया फिनिश। जब पता चला गांव वालों को तो गांव वालों ने खुलकर रोजगार सहायक का विरोध किया। यहां तक कि जो व्यक्ति मनरेगा के तहत गोदी खनन का कार्य नहीं किया है उसके नाम पर भी मास्टर रोल तैयार कर और उसके खाते में पैसा भेज दिया गया है। जब लोगों से पूछा गया कि आपके खाते में पैसा कैसे आया तो उनको खुद को नहीं पता है कि पैसा कौन हमारे खाते में डाला और कौन हमारा मनरेगा में हाजिरी भरा है। बातचीत के दौरान जब जनपद सीईओ वेद प्रकाश पांडे से पूछा गया तो उन्होंने बात को अनदेखा करते हुए बोले कि कोड गलत हो गया, किसी दूसरे का कार्य किसी दूसरे के कार्य में चला गया है। रोजगार सहायक भर्ती कला कमलावती अपने फर्जी कार्य करने के लिए लगातार सुर्खियों में रहती हैं। गांव की महिलाओं ने रोजगार सहायक का खुलकर विरोध किया है, साथ ही साथ ग्राम पंचायत भर्ती कला के सरपंच भी रोजगार सहायक को अपने पंचायत से दूर करने जैसे मंशा प्रतीत करते नजर आए। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से प्रशासन एक्शन लेती है या सिर्फ कागजों में ही ऐसा मनमानी सिमट के रह जाती है। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमारी। यही बर्ती कला पंचायत बर्ती के बर्ती पंचायत। क्या समस्या हो रही है रोजगार गारंटी? हमारे पंचायत में समस्या यह है सर कि रोजगार गारंटी का काम तो खुलता है, हम लोग को बुलाया जाता है, बोलते हैं कि नहीं चलो लेडीज लोग खोलो, मतलब शुरुआत करोगे तो सभी चले आएंगे, और जाने के बाद हम लोग काम करने लगते है ना, शुरुआत में तो गोदी सही लेती है कि हाँ चलो नहीं बोलेंगे, बाद में बोलती है लेडीज लोग यानी कि कम दे रहे हैं गोदी, तो उन लोगों का गोदी कम रहेगा तो और जाने का कम रहेगा, तो हम बोलते हैं भाई हम तो सही दे रहे हैं गोदी, लेकिन गोदी कोड़ने के बाद भी हम लोग के पैसा का झमेला होता है, जब पैसा कम हो जाता है कि नहीं नहीं मिल रहा है पैसा तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ एडजस्ट कर देंगे, मतलब मेंटेनेंस करेंगे, तो मेंटेनेंस करने के बाद भी पैसा नहीं आता है तो पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं हम लोग तो भर दिए थे नहीं आया होगा, तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब हम लोग झूठ बोल के क्या करेंगे, और यह है कि हम लोग का गोदी जब चालू भी है तो मेरे पति का गोदी मैं खुद कोड़ती हूँ, जैसे कोई भी जेंट्स जाते हैं तो अपने पत्नी का गोदी कोड़ते हैं, तो उस तरीके से मैं भी अपने पति का गोदी कोड़ के और हाजिरी भरवाई, साइन करवाने के बाद भी हम लोग का हाजिरी कार्ड, तो हम पूछे कि नहीं कैसे हमारा हाजिरी कार्ड। तू भगमनिया बर्ती यही पंचायत के हार रहे, कैसे कैसे रोजगार गारंटी में काम होते तुम्हारे? रोजगार गारंटी में काम होते जाती पहले लेडीज बन कमलाल कहल की चला गोदी खोली है, हाँ, चालू कर दी, पैसा नहीं मिले तो जेंट्स में नहीं जाए बचा है तो लेडीज में चाहे बका दे तो लेडीज में जाके शुरू कर थी, एक हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता तक कर थी, कोड़े के बाद भाई जेंट्स वाला बोलती कि चला भाई कोड़ी तो पैसा मिलवे नहीं करे, तो जेंट्स मन हम वाला बिगड़ जाते हैं कि ये लेडीज मन बहुत मतलब की गोधियार बन गए हाँ, ऐसे करके भाई वही मन बोले रखते हैं, ओकर बाद गोदी कोड़ब तो गोदी जिसे जिसे कोड़ावत जाही दो हफ्ता चार हफ्ता तो नहीं कुछ बोली, ओकर बाद ताप में नापे जाही तो लेडीज बोलते हैं कि भाई मटान नापल जाए ताप के नहीं नापल जाए, तो कहे कि अब मेरा काम है अपने मर्जी से जहाँ मैं नाप सकती हूँ। पैसा आप लोगों को मिलता है कि नहीं काम करते हैं तो? पैसा कुछ देता है कुछ नहीं देता है, बस बोल देते कि यहाँ वहाँ मेंटेनेंस करूँ तो वहाँ मेंटेनेंस करूँ, मतलब सचिव कहती यहाँ का पैसा अगर छूट गया किसी गोदी का तो बोलती है उसमें एडजस्ट करूँगी, उससे और सचिव के बोले जा तो सचिव कहे की का सबूत है जॉब कार्ड में लिखाया है सबूत दिखाओ, कार्ड में नहीं लिखाएगा तो हम लोग कहां से देंगे, तो जॉब कार्ड देबे नहीं करे हमके तो हाजिरी कहां से बनाई, मुंशी जी से रखते तो मुंशी जी से दो हफ्ता तीन हफ्ता मुंशी एक ठे काम करही, अच्छा तो मुंशी के बोलही तबे ना जॉब कार्ड में हाजिरी भरही, कहा वो मुंशी नाकादर हो गई सचिव के लिए और एक कम लग लिए, अच्छा दूसरा मुंशी चेंज हो जाये यही लफड़ा हो जाये तो लेबर तुम्हारे ना गयी नहीं गई, गोदीदार में धमकाओ दही चावल देता है शासन काम देता है शासन तो पब्लिक जीते हो नहीं तो मर जाते, करेंगे तभी ना तो काम करब तभी ना शासन दही। चलिए ठीक है, सरगुजा संभागीय ब्यूरो आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।